कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये बिल प्रो का आइकॉन होगा, आइकॉन पे हमने डबल क्लिक किया। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कंपनी का अपने दुकान का नाम एड्रेस डालने के लिए फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अपने जो भी आपके शॉप का नाम हो, एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, जीएसटी नंबर डाल के फिल करके और सेव कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉयस और गिफ्ट गैलरी के बारे में, आइटम कैसे फिट करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे रिपोर्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको गिफ्ट गैलरी और टॉयस और गिफ्ट गैलरी के बारे में बताएंगे। उससे रिलेटेड दुकानों के मास्टर में गए, आइटम मास्टर में गए, आइटम में गए। यहाँ से सर हम आइटम की ना एंट्री, जो भी आइटम फिट करेंगे यहाँ से करेंगे। जैसे एक हमने आइटम बनाया फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम बहुत है सारे, फोटो फ्रेम से हमने डाल दिया वाल, ठीक है। इसकी जो भी जीएसटी अगर है 5%, तो आप जीएसटी यहाँ पे 5% कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अगर कोई बारकोड पहले से है तो यहाँ बारकोड स्कैन कर लीजिए, फिर इसमें एमआरपी आपने डाल दिया। अगर कॉस्ट प्राइस है आपको, तो कॉस्ट प्राइस कर दिया आपने 200 रुपये, एमआरपी कर दिया आपने 300, सेल प्राइस अगर 300 रखना चाहते हैं तो 300 करिए, या कुछ कम करना चाहते हैं तो आप सेल प्राइस 275 कर लीजिए, सेव कर लीजिए। प्रोडक्ट का अगर बारकोड निकालना है तो कितना, जितना पीस बारकोड निकालना होगा यहाँ से बारकोड भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ बारकोड पर क्लिक करके बारकोड बी पे क्लिक करेंगे, बारकोड आपका आ जाएगा और प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आइटम की एंट्री यहाँ से होगी, आइटम मास्टर से आइटम का नाम डालेंगे। अगर बारकोड प्रोडक्ट पे है तो यहाँ स्कैन कर लेंगे, कास्ट प्राइस, एमआरपी, सेल प्राइस कर लेंगे। अगर आपको कोई बार कोई आइटम मॉडिफाई करना होगा तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे रेसिंग कार है, हमने एक रेसिंग कार किया, वैन एंटर किया, कुछ भी चेंज करना हो इसमें चेंज करके सेव कर सकते हैं। इस तरह से आइटम आपका यहाँ से आइटम की एंट्री होगी। लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाने पर अगर आपको आइटम देखना है तो पूरे आइटम पता चल जाएंगे कि हमने कितना आइटम फिट किया। इसमें अभी 3441 आइटम दिखला रहा है, हमने ऐसे ही डाटा डाला है डेमो के लिए। उसके बाद आइटम के बाद आप सीधे परचेज पे आएंगे, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। ट्रांजेक्शन में परचेज पे जाएंगे, जिस सप्लायर से माल लिए हैं, सामान आ रहा है, उस सप्लायर का अगर एंट्री करना है परचेज में और बार कोडिंग करना है या नॉर्मल स्टॉक करना है तो कर सकते हैं। ऐड आइटम पे, ऐड सप्लायर पे गए, यहाँ पे सप्लायर का नाम डाल दीजिए, एक्स वाई जेड ट्रेडर, ट्रेडर्स हमने कर दिया, सेव कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इनवाइस नंबर उनका कर दिया हमने। जो आइटम हमको यहाँ पे परचेज आया होगा वो आइटम यहाँ पे, जैसे फ्रेम हमने किया था, फ्रेम फोटो फ्रेम था, फोटो फ्रेम कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे फोटो फ्रेम में है, इसकी 12 क्वांटिटी आई, परचेज रेट 50 रुपये है, एमआरपी 99 है, एंटर कर देंगे। फिर ऐसे हमने एक रेसिंग कार ले लिया, रेसिंग कार 4 अवे, ये 5 पीस आया, 5 करके एंटर कर दीजिए। टैब्स आगे जाएंगे, एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर सेव करके आप रिसीव कर लेंगे। अगर आपको बारकोड निकालना हो तो यहाँ से भी बारकोड निकाल सकते हैं। परचेज को हम क्लोज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे परचेज रिटर्न है, सेल पे जाते हैं, जो हमारा इनवाइस बनाना है यहाँ से सेल करना है। सीधे गए, अगर प्रोडक्ट पे बारकोड है तो आप बारकोड स्कैन कर लीजिए, अगर प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं है तो आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। जैसे रेसिंग कार, रेसिंग कार फॉर अवे हमने कर दिया, 5 पीस स्टॉक दिखला रहा है, एंटर किए, एंटर किए। फिर कोई फ्रेम, फोटो फ्रेम हम ले लेते हैं, फोटो फोटो फ्रेम हमने ले लिया, इसकी क्वांटिटी 12 स्टॉक में दिखला रहा है, एंटर किया, क्वांटिटी डाला, एंटर किया, सेव करके आप सीधे प्रिंट दे देंगे तो बिल आपका प्रिंट होगा। हम आपको प्रीव्यू दिखला दे रहे हैं यहाँ पे। पेमेंट मोड कैश है, क्रेडिट है, पेटीएम है, कार्ड है, यूपीआई, जो भी पेमेंट मोड होगा यहाँ पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको भी प्रीव्यू दिखला दे रहे हैं बिल का, ये 3 इंच का प्रीव्यू है। 3 इंच के प्रीव्यू में आपका डिटेल आ जाएगा, जीएसटी से रिलेटेड आ जाएगा, जीएसटी का नीचे डिटेल आ जाएगा। उसके बाद A4 में अगर निकालना चाहेंगे A4 आ जाएगा, A5 आप प्रिंट करना चाहेंगे A5 आ जाएगा। प्रिंट करने के बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं। सेल रिटर्न कोई होगा तो सेल रिटर्न कर देंगे, वाउचर एंट्री है, ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन है। उसके बाद हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे, सेल रिपोर्ट, जो भी आज का सेल हुआ होगा, इनवाइस वाइज देखना चाहते हैं, अभी कितना हमारा इनवाइस कटा, तभी तक 2 इनवाइस कटा है,
इनवाइस नंबर है, कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का, क्या हमने मार्जिन एक इनवाइस पे हुआ है, जैसे 500 की इनवाइस थी 240 की मार्जिन है, 1177 के 607 रुपीज़ का इसमें मार्जिन है, टोटल 847 रुपये की मार्जिन है। एक भी बिल आपका UPI में हुआ है, दूसरा कैश में हुआ है। कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं, आइटम वाइज देखना चाहते हैं, आइटम वाइज आ जाएगा, ये आइटम वाइज आ गया। आपको देखना है शाम को समरी, कितना कैश में, कितना UPI से पेमेंट हुआ है, तो समरी आ जाएगी। कैश में 1177 रुपये का, UPI से 500 रुपये का आपका पेमेंट आया, टोटल 1677 रुपये का पेमेंट आया है। ये आपकी सेल रिपोर्ट हुई। उसके बाद आपका परचेज रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखला देते हैं। स्टॉक रिपोर्ट पर गए, आइटम कोड वाइज पे क्लिक करेंगे, जो भी अपना स्टॉक होगा, जैसे एवेंजर भी गए 10 पीस हमने परचेज किया था, एक भी सेल नहीं किया, क्लोजिंग बैलेंस 10 दिखला रहा है। जो भी सेल करेंगे वो माइनस हो जाएगा, जो भी सेल आप क्वांटिटी करेंगे वो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इस तरह से आपका परचेज है, सेल है, सारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। और इसमें आप अपना गिफ्ट गैलरी और टॉयस की दुकानों से रिलेटेड सारा आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी।